और आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्रेजी फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 30 सब्सक्राइबर्स पे माइनक्राफ्ट शुरू करूंगा, पर आप लोग ने 32 करा दिए कल ही। तो मैंने सोचा भाई अब तो वीडियो जल्दी से जल्दी डालनी पड़ेगी। तो मेरा फ़ोन एक्चुअली रिपेयर पर गया हुआ था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज मेरा फ़ोन आ गया है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार चलो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। और जो सरप्राइजेज मैंने आपको बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी एक न्यू वेबसाइट है, तो उसे जाके जल्दी से चेकआउट कर लो वेबसाइट को, मतलब उसमें आप मेरे से टॉक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जाओ और चेकआउट कर लो। तो चलो अभी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी हम लोगों ने एक वर्ल्ड ओपन कर लिया है, पर ये वर्ल्ड क्रिएटिव में है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स। तो पहले हैक के लिए हम लोग को चाहिए होगा स्टिकी पिस्टन, स्टिकी पिस्टन चाहिए हम लोग को, चाहिए पिस्टन, स्टिकी पिस्टन, पिस्टन। और हम लोग को चाहिए हमारी मेन चीज़ जो कि है, हम लोग एक्चुअली एक रेडस्टोन टाइप का हैक ट्राई करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा हैक है ये। बेसिकली हम लोग रॉकेट बनाने वाले हैं। तो और हम लोग कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लेने वाला हूँ, तो जैसे कि अभी मैं लेने वाला हूँ कोई कॉन्क्रीट ब्लॉक। तो अभी मैं कॉन्क्रीट कौन सा लूँ, तो ऑरेंज कॉन्क्रीट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और मैं ले लेता हूँ कोई भी स्लैब, तो स्लैब में कॉर्ड्स वाला प्रेफर करूँगा क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छा लगता है लुक में। तो मैं स्मूथ कॉर्ड्स वाला लेने वाला हूँ। और हम लोग को चाहिए हमारा स्लाइम ब्लॉक। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग बनाने जा रहे हैं रॉकेट। तो चलो अभी देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम लोग अभी, आप लोग पहले तो आप लोग मतलब कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कॉन्क्रीट लिया, आप लोग कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। और हम लोग को ऐसे कुछ ऐसे मतलब लगा देना है और उसके ऊपर ऐसे लाइट फेस जो इसकी होती है ऐसे ऑब्जर्वर लगा देना है। तो और अब हम लोग को ये करना है कि फिर गाइस हम लोग को इसके ऊपर चाहिए ये पिस्टन, ऐसे पिस्टन लगा देना है फेस साइड वाला, अप साइड फेस करके। और हम लोग को ऐसे स्लाइम ब्लॉक लगा देना है। और गाइस मेरा बेडरॉक एडिशन है, तो मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं। आप कौन सा एडिशन यूज़ करते हो अगर कमेंट्स यूट्यूब की तरफ से ऑन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अभी देखते हैं क्या ये मेरे बेडरॉक एडिशन में काम करता है या फिर नहीं। सो गाइस हम लोग को 3 स्लाइम्स नहीं लगाने हैं, मतलब हम लोग को ऐसे यहाँ ऑब्जर्वर्स स्टार्ट करना है, स्लाइम लगाना 1 2 ऐसे लगाना है उसके बाद। और फिर गाइस हम लोग को ऐसे ऐसे ऊपर तक ले 1 2 3 एंड 4 और फिर ये हमें 1 2 3 वाले तोड़ देना है। उसके बाद गाइस हम लोग को नीचे लगाना है ऑब्जर्वर, कुछ ऐसे नीचे करके फेस करते हैं लगाना होगा हमें ऑब्जर्वर एक नंबर। सो गाइस जो रेड वाला लाइट है उसका फेस जो है नीचे होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद गाइस ये ऑब्जर्वर के नीचे हमारा आ जाएगा स्टिकी पिस्टन, तो इसको भी हम लोग अपने स्लाइम ब्लॉक के ऊपर खड़े होके नहीं लगेगा, तो हम लोग ऐसे नीचे लगाते हैं। ओके गाइस अभी हम लोग रॉकेट बनाने वाले, तो उसके बाद गाइस हम लोग को ये जो ऊपर का स्लाइम ब्लॉक है तोड़ देना है। और ये ऐसे क्यों वर्क कर रहा है, क्या हम लोग को ये बार बार करना पड़ेगा? नो, तो यार ये रॉकेट वर्क तो कर रहा है पर मुझे लगता है ये मेरे एडिशन में जैसे कि मैंने आपको कहा था वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे बार बार हम लोग को ये लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग को ऐसे बार बार लगाना नहीं पड़ता है, ये एक ही बार में चल जाता है पूरा। हाँ, तो मतलब ये मेरे एडिशन में साफ साफ वर्क नहीं कर रहा है। तो ओके गाइस ये एडिशन में वर्क करेगा मेरे ख्याल से, मैंने कुछ गलत किया हुआ है वैसे नहीं। मैंने जिसका वीडियो देखा था मतलब उसने तो ऐसे किया था कि उसने जो है
ऐसे मतलब स्टिकी पिस्टन नीचे लगा दिया था, मुझे लगा था कि कोई मतलब गलती मैंने मिस्टेक खुद करी होगी, पर ऐसा नहीं है। या ये मेरे एडिशन में नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि ये बेडरूम एडिशन में काफ़ी सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो शायद से एडिशन की वजह से हो सकती है। पर ये हैक काफ़ी बढ़िया था, और अगर इस ये हैक मतलब हर एडिशन में वर्क करता तो मैं इसको 10 out of 10 देता, तो मैं इसको 8.5 out of 10 देने वाला हूँ, क्योंकि ये हर एडिशन में वर्क नहीं कर रहा है। तो ओके गाइस, सॉरी मैंने आपको पूरा दिखाया ही नहीं कि क्या करना है। हम लोग को ऐसे यहाँ पे स्लाइम रख देना है, मैंने गलती कर दी थी है, मैंने देखा नहीं कि ये भी करना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लगा देना है स्लैब। तो ओके गाइस, ये हमारे एडिशन में वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी हम लोग इस ब्लॉक को तोड़ देते हैं, यार बहुत तेज है, उसके ऊपर चढ़ के ही तोड़ देते हैं। ओ ओ ओ, तब भी वर्क कर रहा है। ओ अब उन्होंने इसे तोड़ दिया, अभी चलता ही रहेगा गाइस। तो अभी देखते हैं कहाँ तक की पहुँच कहाँ तक पहुँच पाता है, और इसके ऊपर हम अपने किसी प्यारे से मॉब को बिठा देंगे। किसको बिठाना चाहिए हमें? ओके स्लाइम को ही बिठा देता है। अरे यार वो तो नीचे ही कूद गया। तो चलो यार कोई बात नहीं गाइस, लेकिन ये बहुत सही था, तो मैं एक और बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। तो चलो यार, ये काफ़ी अच्छा टिकटॉक हैक था, और ये अच्छे से काम भी किया है। भाई कहाँ तक जाएगा, अभी भी वो चल रहा है। उसके मैंने सारे स्लाइम भी धो दिए, तब भी वो चल रहा है। तो गाइस मतलब कि ये बेडरॉक एडिशन में भी वर्क करा है, तो मैं इसको देता हूँ अभी 10 out of 10। तो चलो अभी नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तोड़ दो सब तोड़ दो। जैसे हैक वर्किंग था, और बहुत ही अच्छा हैक था, और मैंने आपको पूरा बताया, तो वो मेरी गलती थी। नीचे चलते हैं नीचे, और अभी स्लाइम लगाने वाला हूँ मैं सीधा। ओके नहीं लगा रहा, अब यहाँ स्लाइम रुक देंगे। ओके तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। सो इस नेक्स्ट हैक में हम लोग को ये सारा सामान चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको लोग को दिखा देता हूँ। ये सब सामान चाहिए हम लोग को, और अभी हम लोग हैक करते हैं। तो शायद आप लोग को ये हैक समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो हाँ, हम लोग बना रहे हैं डस्टबिन, तो ये काफ़ी अच्छा डस्टबिन होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। तो चलो अभी शुरू कर लेते हैं अपने हैक। सो गाइस, ऐसे हम लोग को लगा देना है एक डिस्पेंसर। मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। हम लोग को चाहिए टारगेट, चेस्ट, हॉपर, रेडस्टोन कंपरेटर, रेडस्टोन रिपीटर, रेडस्टोन लावा बकेट, डिस्पेंसर, और एक ग्रास ब्लॉक। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोग को ये कैसे करना है। एक डिस्पेंसर यहाँ पे हम लोग को जाके ऐसे ऐसे रख देना है। उसके बाद डिस्पेंसर के ऊपर हम लोग को ऐसे रख देना है हमारा हॉपर। हॉपर के ऊपर हमें रख देनी है चेस्ट। उसके बाद गाइस हम लोग को करना है कि हम लोग को जो है यहाँ पे जाना है और रेडस्टोन कंपरेटर लेना है, उसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस होगी थोड़ी। उसके बाद हम लोग को यहाँ से ऐसे टर्न लेना है, तो नहीं नहीं हम लोग को यहाँ पर रिपीटर रखना है, कुछ इस तरीके से ऐसे रखना है हम लोग को रिपीटर, और फिर रख देना है रेड स्टोन। थोड़ा सा गाइस हम लोग को थोड़ी गलती हो रही है। चेक कर लेते हैं क्या ये मतलब सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, कुछ इसमें डाल के देखते हैं। गाइस मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है प्रॉब्लम। सो गाइस हम लोग ने एक छोटी सी गलती कर दी है, हम लोग को बस इसे थोड़ा सा पीछे रखना है रेडस्टोन कंपरेटर को। इसे अभी एक्टिव कर देते हैं, और फिर हम लोग को यहाँ पे डालना है सिंपली रेड स्टोन, और यहाँ ये हमारे ये कुछ तो गड़बड़ दिया। हमको ऐसे कुछ रखना है इसको, और फिर इसको कुछ ऐसे रखना है। मेरे ख्याल से अब वर्क कर जाना चाहिए।
बेसिकली चाहिए ये कि ये इसके अंदर जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्पेंस भी कर दे, मतलब कि थ्रो कर दे डिस्पेंसर में आके। तो अभी देखते हैं कैसे होगा। सो गाइस अभी आप लोग सारा कनेक्शन तोड़ दो अगर आप लोग ये बना रहे हो तो, और अब हम लोग फाइनल कनेक्शन सारा लगाने वाले हैं। तो अभी थोड़ी सी स्पेस चाहिए हम लोग को, बस अभी इतनी स्पेस काफ़ी है। और अभी हम लोग को जो है यहाँ पर रखना है अपना कॉम्परेटर, उसके बाद ऐसे हम लोग को रेडस्टोन डस्ट से ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो उसके बाद रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसे यहाँ पे रिपीटर लगाना है, उसके बाद कुछ ऐसे हम लोग को ये कनेक्ट कर देना है। अब वर्क करना चाहिए वरना फिर ये मेरे एडिशन में क्लियरली नहीं वर्क कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, वर्क करना चाहिए या तो ये मेरे एडिशन में नहीं वर्क कर रहा है, पता नहीं क्या। तो गाइस हम लोग को एक सिंपल चीज करनी थी जिसमें हम लोग इतना दिमाग लगा रहे थे, हम लोग को सिंपली यहाँ पे एक टारगेट ब्लॉक रख देना है, फेस क्यों नहीं हो रहा, हम लोग को यहाँ पे एक टारगेट ब्लॉक रख देना है। अपना रेस्टोन वहाँ से निकालते हैं, चेस्ट डिस्पेंस रेस्टोन निकालते हैं, हम लोग को कुछ ऐसे शो कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपली एक टारगेट ब्लॉक लगा देना है। खैर अब तो ये वर्क करना चाहिए, एक बार वापस से तोड़ के बनाते हैं, कितना बड़ा टाइम वेस्ट है यार क्यों तोड़ना है। तो चलो अभी जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ। सो गाइस ये हैक मतलब वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को टारगेट ब्लॉक लगाना था और यहाँ पे मैं आरो मार रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं सब कुछ डाल दूँ तो, अगर आप लोग को पता है कि ये कैसे करना है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट हैक आप लोग सर्वाइवल में भी ट्राई कर सकते हो, पर अभी मैं चेंज नहीं करने वाला वर्ड को। तो अभी मैं जो है क्या करने वाला हूँ, शीप स्पॉनिंग आपको चाहिए और विलेजेस स्पॉनिंग चाहिए, और आप लोग को दो नेम टैग चाहिए जिसमें एक नेम टैग में लिखा होगा ग्रम, ये स्पेलिंग वाला देख लिया, ये वाला ऐसे ग्रम लिखा होगा, GRUMM, और लिखा होगा JEB_, पूरा स्मॉल लेटर्स में JEB_ ऐसे लिखा होगा। उसके बाद ये शीप पहले हम लोग स्पॉन करेंगे, ये ब्लैक कलर के है। आप लोग ने RGB माउस देखा होगा, RGB कीबोर्ड देखा होगा और RGB हेडफोन्स भी देखे, क्या आप लोग ने कभी RGB शीप देखी है? तो आज देख लो। तो ये रही हमारी RGB शीप, देखो ये कई कलर चेंज कर रही है शीप। तो यार ये बहुत ही बढ़िया टॉक है, इसे आप एज डेकोरेशन यूज कर लो। मैंने एक बार ट्राई किया था पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग यूज़ कर लो। देखो सारे कलर भूल, पर जो कलर इनका पुराना वाला था उसी का भूल देंगे, ऐसे मत समझना कि लोग मतलब कि वो दे रहे हैं कलरफुल भूल, ऐसा नहीं होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी हमारा विलेजर ये हैक हर किसी पे वर्क करेगा, ये RGB वाला हैक खाली शीप पे वर्क करता है। देखो ये ऐसे इसको नाम दे दिया लेकिन ये तब भी वर्क नहीं करेगा इस पे, पर ये जो GRUMM है ये वर्क करेगा इस पे सब पे वर्क करेगा, ये हर किसी चीज पे ये हैक वर्क करेगा सबको, इससे जो है हर कोई उल्टा हो जाता है, मतलब एक दिना बोन भी होता है उससे भी लाइक सेम चीज ही होती है। देखो यार कैसे सही लग रहा है, सब उल्टा होके कर रहे हैं सब, भाई क्या सही मतलब हैक है। तो यार बहुत ही बढ़िया हैक था, इसको हम लोग देंगे 10 out of 10। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।